everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I'm your teacher Fazal Rehman Afridi. And today's class is going to be very useful for all of you. And I'm going to start review tab. So let's get started. मैंने MS Word ओपन किया. अब MS Word में मेलिंग टेप को मैं प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर चुका हूँ. अब टुडेज टॉपिक इज रिव्यू टेप. रिव्यू टेप में प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैक्स, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड के मुख्तलिफ ग्रुप्स है और हर ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ कमांड्स या ऑप्शंस पे मुश्तमिल है. अब रिव्यू टेप हम यूज़ करते हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से देखना चाहते हैं ताकि उसमें गलतियाँ वगैरह ना हो, या अगर कोई रिप्लेसमेंट वगैरह हम करना चाहते हैं, या हम अपने डॉक्यूमेंट को और सिक्योर बनाना चाहते हैं यूजिंग ट्रैकिंग चेंजेस एटसेट्रा, तो हम रिव्यू टेप का इस्तेमाल करते हैं. तो हम प्रूफिंग से स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफिंग में पहला वाला जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर है. अब स्पेलिंग एंड ग्रामर से मुराद कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डॉक्यूमेंट में, मैं 3 पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, आप स्पेलिंग्स मिस्टेक कर चुके हो एंड सो ऑन. ये देखिए मैं स्पेलिंग्स गलत कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, राइट. अब मैं चाहता हूँ कि मैं देख लूँ, प्रूफिंग करूँ कि डॉक्यूमेंट में जो गलतियाँ हैं वो रिमूव करूँ. तो स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करता हूँ. ये देखिए प्रूफ लफ्ज़ के साथ यहाँ पर और भी अल्फाज आ गए. जो भी मेरा वाला लफ्ज़ है मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो मैंने प्रूफ पे ही क्लिक किया और यहाँ चेंज. चेंज ऑल का मतलब है अगर डॉक्यूमेंट में इस तरह के अल्फाज पी ओ वी ई वाले वो तमाम इस प्रूफ के साथ चेंज हो जाएंगे. तो फिलहाल वन ही वर्ड है तो मैं चेंज पर ही क्लिक करता हूँ. इस तरह वीडियो, ये देखिए यहाँ पे और भी इसके अल्टरनेट वर्ड आ गए तो आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं. इस तरह ये देखिए कैन, इस तरह बेस्ट, इस तरह एग्जाम्पल, राइट. तो अब ये क्या हुआ, स्पेलिंग इन ग्रामर चेक इज कंप्लीट. तो इसी तरह जब आप मिस्टेक्स वगैरह करते हो, स्पेलिंग्स आर ग्रामेटिकली, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट. इसके बाद नेक्स्ट जो है थिसॉरस, ये जो है बिल्कुल डिक्शनरी आप समझ लेते थिसॉरस, राइट. तो ये शिफ्ट प्लस 7 के साथ आप ओपन कर सकते हो और ये आप F7 के साथ ओपन कर सकते हो. इसका काम क्या है, आप चाहते हो कि प्रोवाइड या पावरफुल या वे इस जैसे या अल्टरनेट अल्फाज मुझे मिल जाए और वो मैं इसके साथ रिप्लेस करूं एंड सो ऑन, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पावर को सेलेक्ट करता हूं और मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए यहां पे आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज आ चुके हैं. तो फॉर एग्जांपल पावरफुल लफ्ज़ जो है वो आप चाहते हो कि उसकी जगह पर ये लफ्ज़ आ जाए, तो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखिए वो रिप्लेस हो गया. इस तरह पावर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ, तो आप देखिए पावर मुख्तलिफ अल्फाज है. आप कौन सा वाला लफ्ज़ रिप्लेस करना चाहते हो या वहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ऑफर्स एंड इंसर्ट, तो ये देखिए ऑफर्स और डोमिनेंट जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं, राइट. इसके बाद जो है नेक्स्ट, ये है वर्ड काउंट. वर्ड काउंट क्या काम करता है, ये आपको शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आप यूज़ कर चुके हो, वर्ड्स कितने हैं, सेंटेंसेस कितने हैं और पैराग्राफ्स एंड सो ऑन. तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये स्टेटस बार में कि पेज 1 है और इसमें 135 वर्ड्स है, लैंग्वेज ये है, एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, मतलब कोई भी एरर वगैरह इसमें नहीं है. यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी. अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर पेज 1, वर्ड्स 135, करेक्टर्स नो स्पेसेस, मतलब यहाँ देखिए वीडियोस एंड ऑफर्स के दरमियान ये स्पेस है स्मॉल, राइट. तो इस स्पेस के अलावा कितने करेक्टर्स है, 647. अगर ये स्पेस काउंट कर लें ये करेक्टर्स विद स्पेसेस तो फिर 779. पैराग्राफ्स कितने हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 3 है. लाइन्स आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट. तो ये आपको मुकम्मल जो स्टेटिस्टिक है आपके डॉक्यूमेंट का वो शो करता है. अब इसके बाद जो है एक्सेसिबिलिटी पे आता हूँ. एक्सेसिबिलिटी में फर्स्ट वन ऑप्शन जो है चेक एक्सेसिबिलिटी. ये देखिए आपको यहाँ पे एक स्टेप में भी बताया जाता है कि लेट अस मेक, कीप इट इंक्लूसिव, लेट अस मेक श्योर दैट योर फाइल फॉलोज एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी विल हेल्प यू फिक्स इश्यूज क्विकली विद ईजी टू फॉलो डायरेक्शन आर रिकमेंडेशन. इसका मतलब है कि जिस मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियाँ एरर्स है तो वो अकॉर्डिंगली मुझे डायरेक्शंस भी बताएगा कि आप इस डायरेक्शन में अपनी गलतियाँ वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं. तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है, इंस्पेक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे देखिए नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाउंड. तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट इज़ फाइन.
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वन क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन आप अल्टरनेट टेक्स्ट समझ ली इसको। अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर वगैरह या टेबल वगैरह आप इंसर्ट कर चुके हो और आप चाहते हो कि कोई जो है फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो विजुअली इस ग्राफिक को सही देख नहीं सकता लेकिन रीड कर सकता है, तो आप उस ग्राफिक्स के अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो और वो अल्टरनेट टेक्स्ट को रीड करके वो समझ सकता है कि दिस पिक्चर इज़ अबाउट दिस और दिस टेबल इज़ अबाउट दिस, राइट। इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेविगेशन पेन पे आता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा नेविगेशन पेन इस स्मार्ट टेप में आप देख सकते हैं, इट इज़ लाइक अ टूर गाइड फॉर योर डॉक्यूमेंट। नेविगेशन पेन जो है ये बिल्कुल टूर गाइड की तरह होता है। टूर गाइड से मुराद आपके डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताता है कि हेडिंग्स कौन से है, पेजेस वगैरह, और साथ साथ में आपने पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं वो। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये नेविगेशन है। अब यहाँ हेडिंग देखें, फिलहाल डॉक्यूमेंट में कोई हेडिंग नहीं है। पेजेस में देखता हूँ वन पेज है, अगर बहुत सारे होते तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह होता। रिजल्ट इसमें पिक्चर्स वगैरह अगर मैं इंसर्ट कर चुका होता तो डेफिनेटली यहाँ पे होता। अब यहाँ पे हेडिंग्स भी नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, मैं एक लफ्ज लिखता हूँ और इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ। जैसे मैं इसको हेडिंग करूँगा तो यहाँ पे आएगा, इस पाकिस्तान को मैं हेडिंग बनाता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो आप देखें हेडिंग आ गया, राइट। तो इस तरीके से नेविगेशन बार क्या है, ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, हेडिंग्स, पेजेस एंड रिजल्ट्स, राइट। इसके बाद जो है रिव्यू में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ईज़ ऑफ एक्सेस, मेक ऑफिस मोर एक्सेसिबल। आप अपने ऑफिस को मोर एक्सेसिबल बनाना चाहते हो, मतलब और ऑप्शंस ऐड करना या यूज़ करना चाहते हो, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे जनरल, डिस्प्ले प्रूफिंग, सेव लैंग्वेज, और जो मैंने ओपन किया है ईज़ ऑफ एक्सेस। तो यहाँ देखें द एक्सेसिबिलिटी चेकर हेल्प्स यू फाइंड एंड फिक्स कंटेंट इन योर डॉक्यूमेंट दैट मे मेक इट हार्डर फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी टू कंज्यूम योर कंटेंट एंड सो ऑन। तो ये क्या है, इसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, एरर्स वगैरह, कंटेंट वगैरह एंड सो ऑन। कुछ ऑप्शंस है आपको अच्छे लगते हैं, फीडबैक ऑप्शन वगैरह वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये ऑप्शन में आप लोग को ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी फाइल मेन्यू पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑप्शन में ये वर्ड ऑप्शन आएगा तो यहाँ ईज ऑफ एक्सेस यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ एक चेक एक्सेसिबिलिटी पे मैं क्लिक करूँगा तो आप क्लिक ना करने के बगैर भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो, जिसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये नेविगेशन जो है आपके सामने है और रिजल्ट भी है, राइट। तो आप मुख्तलिफ ये 2-3 तरीकों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऑल टेक्स्ट पे आता हूँ। ऑल टेक्स्ट से मुराद फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज उठाता हूँ, लेट्स सी मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ, डाउनलोड पे ही देखते हैं। और फॉर एग्जांपल दिस इज द इमेज, राइट, ये इमेज मैं ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक में यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इन मुख्तलिफ ऑप्शंस में हमारा जो काम है वो किसके साथ है, एडिट ऑल टेक्स्ट। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए ऑल टेक्स्ट एरिया ओपन हो और यहाँ पे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, राइट। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल टेक्स्ट के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ से ओपन करना चाहते हो या इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करके ओपन करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। इसका मतलब क्या होता है कि इस पिक्चर के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में ऐड करना चाहता हूँ, अल्टरनेट टेक्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज अ वेबसाइट फॉर बाइंग होस्टिंग एंड सो ऑन, ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड किया। अब क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है वो इसको देख नहीं सकता या मजीद रीड करना चाहता है या एक्स्ट्रा अल्फाज देखना चाहता है, तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखिए ऑल टेक्स्ट में भी वो यहाँ से भी रीड कर सकता है और यहाँ पे आके ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से भी रीड कर सकता है, राइट। दिस ओनली अ डिटेल, यहाँ पे आप देख भी सकते हो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट टू समवन हु इज ब्लाइंड और लो विजन। लो विजन से मुराद जो ऑलमोस्ट पिक्चर उसके लिए ज़्यादा विजिबल ना हो और अदर, राइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट
वो है ट्रांसलेट, वेरी यूज़फुल। अब यहाँ ट्रांसलेट में क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शंस है। लैंग्वेज पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज प्रूफिंग के लिए जो है सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं दो सेलेक्ट कर चुका हूँ, इंग्लिश एंड उर्दू। देन आपकी मर्जी है आप कौन सा वाला सेलेक्ट करना चाहते हो। इसके बाद लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में आप क्या क्या ऐड करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। ये देखिए ऑफिस अथॉरिंग लैंग्वेजेस एंड प्रूफिंग, यहाँ ऑफिस में कौन से लैंग्वेजेस आप चाहते हो, यहाँ डिस्प्ले लैंग्वेजेस में आप कौन सा ऐड करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। यहाँ से मैं ट्रांसलेट पे आता हूँ। ट्रांसलेट में थ्री ऑप्शंस है, एक है ट्रांसलेशन जो इज अ होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता है, और दूसरा है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो वो ट्रांसलेट, और तीसरा है मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर अभी सिखाता हूँ। अब यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करें। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे परमिशन मांगेगा कि इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम थर्ड पार्टी या माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यस, इसको प्रोसीड करें। जैसे मैं यस पे क्लिक करूँगा तो ये प्रोसीड करेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इंग्लिश टू उर्दू है, और यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हेडिंग है, और इस तरह ये देखिए जैसे आप इसके ऊपर माउस लाएंगे तो वो आपको आपको इंग्लिश जो है वो भी शो करता है, और साथ साथ में आप इस उर्दू को भी रीड कर सकते हैं। मज़ीद आप इंग्लिश को दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज है तो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखता हूँ ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट पैराग्राफ में सेलेक्ट करता हूँ, दैट्स अप टू यू। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये फर्स्ट सेंटेंस फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पॉइंट तक इसको ट्रांसलेट करता हूँ, जिसे मैं क्लिक करूँगा सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए राइट, वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक गालिब तरीका पेश करती है। इस तरह फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू यहाँ से भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, राइट। दैट्स अप टू यू आप क्या करना चाहते हो। तो ये सेलेक्टेड टेक्स्ट आपके लिए ट्रांसलेट करता है। इसके बाद जो है मिनी ट्रांसलेटर, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आई रियली लाइक इट। ये क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है डोमिनेंट है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जिसे सेलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ ये मेन्यू आ जाती है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ एक अनदर भी आ जाए जिससे मुझे पता लगे कि इसकी मीनिंग क्या है और अदर डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, राइट। यहाँ पे आता हूँ मिनी ट्रांसलेटर, और ये मुझसे कहता है कि हम थर्ड पार्टी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, सो ऑन प्रोसीड करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यस, तो अब ये ऑन हो गया। ये देखिए सॉरी, ये देखिए ये ऑन हो गया, आप देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, ये देखिए तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ सिर्फ माउस यहाँ पे इसी तरह करता हूँ तो आप देखिए ऊपर मीनिंग आप देख सकते हैं। इसी तरह ऑफर के ऊपर अगर आता हूँ तो देखिए यहाँ पे पेशकश। इसी तरह लुक के ऊपर आता हूँ तो ये भी मुझे क्या कर देगा, देखिए। इसी तरह प्रोड्यूस के ऊपर मैं आता हूँ तो प्रोड्यूस के ऊपर जैसे आऊँगा तो यहाँ पे देखिए आपको इसका मीनिंग जो है शो करता है, राइट। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है ट्रांसलेट में, मिनी ट्रांसलेटर अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं डोमिनेंट के बारे में कुछ कमेंट पेश करूं या इस पूरे पैराग्राफ के बारे में कुछ कमेंट पेश करूं, दैट्स अप टू यू। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पे तो ये देखें इस डॉक्यूमेंट लफ्ज़ के बारे में कुछ भी आप लिखना चाहते हो आप यहां पे लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह यहां पे भी मैं इस गैलरी के बारे में कुछ लिखना चाहता हूं न्यू कमेंट, तो यहां पे भी मैंने कुछ ऐड किया। इसी तरह थीम के बारे में लिखना चाहता हूं न्यू कमेंट, राइट। तो ऑलमोस्ट थ्री कमेंट में ऐड कर चुका हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए न्यू कमेंट्स, तो हम न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट डिलीट आल कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट, राइट। आल शो का मतलब है जो शो हो रहे हैं, आल कमेंट्स का मतलब जो डॉक्यूमेंट में जितने भी है, फॉर एग्जांपल 30 है, 40 है, 20 है, 10 है, 3 है, 1 है, सारे के सारे डिलीट करें। अब यहाँ जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये गायब है और यहाँ पर आपको सिर्फ आइकन शो हो रहा है, राइट। अगर आप कमेंट सी करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करने से आप इसको देख सकते हैं, राइट। इसी तरह इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं, राइट।
आप शो करना चाहते हैं क्लिक करें तो यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट प्रीवियस में जा सकते हैं, राइट। ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिलीट ऑल कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज एंड कमेंट्स। आई होप दैट यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू। And the next class will be really important, and that will be about tracking, changes, compare, protect, and in. And why it is important? Because with the help of tracking, changes, compare, आप अपने document को बहुत ज़्यादा secure बना सकते हो। कैसे? देखते हैं नई class में, in coming lecture. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.